मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों ने एक साझा बयान जारी कर इन गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की है। बयान में कहा गया कि सरकार उन सभी लोगों में दहशत बनाने की कोशिश कर रही है जो समाज के उस तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि पहले से ही हाशिए पर है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक काल्पनिक दुश्मन का भय दिखाकर लोगों को असली मुद्दों से दूर करने की कोशिश कर रही है। इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठकुरता, गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी, सामाजिक कार्यकर्ता टीस्ता सितलवाद, स्वामी अग्निवेश, एडमिरल रामदास, छात्र नेता शैला राशिद समेत कई अन्य लोगों के दस्तखत हैं। इससे पहले मंगलवार को पुणे पुलिस ने दिल्ली में पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा, मानवाधिकार मामलों की वकील सुधा भारद्वाज, मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता वरुण फरेरा और वर्नन गोंजाल्वेस, हैदराबाद में कवि वरवरा राव और रांची में फादर स्टैन स्वामी के घर छापेमारी कर गिरफ्तारी की थी।